Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So now we are continuing the discussion of question paper of Indian Economic Survey, General Economics 1, 2021 paper. Question 8 के A part तक कर चुके हैं, अब हम B part से start करेंगे. कह रहे fit a second degree polynomial to the following data. Data given है, इसको second degree polynomial fit करना है. आपको इक्वेशन याद होगी सेकंड डिग्री पॉलीनोमियल की, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर. यहाँ पे ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करनी है, मतलब मेरे को इसके लिए नॉर्मल इक्वेशन यूज़ करते हैं. उन सब के जो नॉर्मल इक्वेशन की डेरिवेशन है मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाई हुई है. फिलहाल मैं वो फॉर्मूलाज को गिवन मानकर उनके ऊपर क्वेश्चन फिट कैसे करना है वो आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक है. और अगर आप भूल गए हैं तो वीडियोज़ को वापस जाके देखना होगा आपको, जहाँ हमने आपको सेकंड डिग्री पॉलीनोमियल पढ़ाया है उसकी वीडियो को रिविजिट करना होगा आपको. मैंने डेटा यहाँ पे कॉपी करके रख लिया पहले ही आपके लिए. तो ये जो प्राइस इंडेक्स है इसको हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये हमारा वेरिएबल है y, और हम x कैसे निकालते हैं, डेविएशन निकालते हैं. देखने की बात ये तो कि इवन ईयर्स हैं या ऑड ईयर्स हैं. 82 से 90 ये ऑड ईयर्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑड ईयर्स हैं, ठीक है जी. वैसे भी अगर स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट दोनों अगर सेम है, ऑड ऑड स्टार्टिंग, ऑड स्टार्टिंग ऑड एंडिंग, इवन स्टार्टिंग इवन एंडिंग, तो ऑड ईयर्स ही होते हैं. इवन स्टार्टिंग ऑड एंडिंग या ऑड स्टार्टिंग इवन एंडिंग, तो इवन ईयर्स होते हैं, ठीक है. अब ये अगर ऑड ईयर्स है हम क्या करते हैं, मिडिल ईयर से डेविएशन निकालते हैं. मिडिल यहाँ पे क्योंकि 9 ईयर्स है तो फिफ्थ ईयर होगा. 1 2 3 4 5 1886 आपका मिडिल ईयर था. एक्स होगा क्या, एक्स होगा ईयर माइनस 1886. मिडिल ईयर से निकालते हैं डेविएशन, इससे काम आसान हो जाता है, ठीक है. तो ये आपका 82 माइनस 86, या ऐसे कर लीजिए मिडिल ईयर को लेते हैं 0, उसके ऊपर -1 -2 -3 -4 और नीचे 1 2 3 4, या फिर आप क्या कीजिए माइनस कर लीजिए. 1882 माइनस 1886 आएगा -4, फिर 1883 माइनस 1886 आएगा -3, ऐसे करके सब निकाल लीजिए. या फिर जो आपने जिसको बेस ईयर लिया है उसको 0 लेकर उसके ऊपर माइनस उसके नीचे प्लस, ईजी है. अब देखिए हमारे पास यहाँ पर हमें चाहिए क्या, सेकंड डिग्री पैराबोला क्या होगा. सेकंड डिग्री पैराबोला ये होता है हमारे पास y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर. यहाँ पे ए बी सी पैरामीटर्स हैं, इनकी वैल्यूज हम निकालते हैं यूजिंग नॉर्मल इक्वेशंस. तो नॉर्मल इक्वेशंस क्या होती है हमारे पास, नॉर्मल इक्वेशन मैंने ओ एल एस डेरिवेशन बताया हुआ आपको. अभी सिर्फ यहाँ पे इक्वेशन लिखूंगा, समेशन वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स प्लस सी समेशन एक्स स्क्वायर. हम एक वर्किंग रूल आपको बताते हैं, डेरिवेशन तो हर जगह नहीं आती है, वो आपको खाली क्वेश्चन करना था. वर्किंग रूल ये है कि आपने समेशन कर दिया पूरी इक्वेशन का, तो ये आ गया. अब इसको पूरी इक्वेशन को एक्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर प्लस सी समेशन एक्स क्यूब. ये सेकेंड इक्वेशन आ गई, और फिर से एक्स से कर देंगे तो समेशन एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी समेशन एक्स क्यूब प्लस सी समेशन एक्स फोर. ये तीन मेरे पास नॉर्मल इक्वेशंस हैं, ठीक है. मैं फिर से बोल रहा हूँ मैं डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूँ, बस आपको आप, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करना है हमको, तो यहाँ पर डेरिवेशन नहीं पूछी उसने, इसलिए मैं डेरिवेशन पे नहीं लेके जा रहा आपको. आप अगर भूल गए हैं तो वापस से आपको क्लास को विजिट करना होगा, वीडियो क्लास का आपको विजिट करना होगा जहाँ पे हमने आपको ये सेकंड डिग्री पैराबोला पढ़ाया था. अब यहाँ से मुझे पता ये चलता है कि मुझे यहाँ पे क्या क्या चाहिए. मुझे यहाँ पे समेशन ऑफ वाई चाहिए, समेशन ऑफ एक्स वाई चाहिए, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई चाहिए. पहले तो ये निकालना है, वाई का समेशन तो मिल जाएगा मेरे को, एक्स वाई निकालना पड़ेगा जी. एक्स इंटू वाई 84 इंटू -4, यहाँ पे हम कैलकुलेटर यूज़ कर लेंगे. और जैसे हमारे पास ये कैलकुलेटर है तो 84 इंटू -4 84 इंटू 4 कर देते हैं, 336 माइनस 336 82 इंटू 3 246 आएगा जी. और 76 इंटू 140 और 12 152 आएगा, -72. आप चाहें कैलकुलेटर यूज़ कर लें, चाहे आपकी इच्छा है आप डायरेक्टली करना चाहते हैं डायरेक्टली कर लें जैसे आपको सही लगे, ठीक है. तो ये आ जाएगा 0,
68, 140 और 216 और 280, 292, ठीक है जी। 73 × 4 इज 292, बिल्कुल सही है सर। तो एक चीज तो ये होगी हमारे पास, हमने निकाल दिया माइनस समेशन एक्स वाई, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमको चाहिए था एक्स स्क्वायर इंटू वाई। एक्स स्क्वायर इंटू वाई यानी पहले एक्स स्क्वायर करो फिर इंटू वाई करो, या फिर ये जो आपने एक्स वाई निकाला है एक्स वाई इंटू एक्स कर दीजिए, वही बात है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई आ जाएगा। तो 336 इंटू फोर कर लीजिए, 336 इंटू फोर ये आ जाएगा, अब क्योंकि माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 1344 1344 246 इंटू थ्री, 246 इंटू थ्री 738, 152 इंटू टू 304, 72 0, 68 इंटू 168, 140 इंटू टू 280, 216 इंटू थ्री 648 आएगा शायद, 648 और 292 इंटू फोर, 292 इंटू फोर ये आपके सामने है 1168। और मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स तो है मेरे पास, एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए, एक्स फोर चाहिए, ठीक है जी, उनको भी निकालते हैं। तो एक्स का स्क्वायर निकालते हैं जी पहले हम लोग, देखिए माइनस फोर का स्क्वायर 16, माइनस थ्री का स्क्वायर 9, माइनस टू का स्क्वायर 4, माइनस वन का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। एक्स क्यूब चाहिए हमको, माइनस फोर का क्यूब मतलब माइनस फोर इंटू माइनस फोर इंटू माइनस फोर, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, माइनस में रहेगा। 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, 0 1 8 27। और आप इसको तो सिमेट्रिक है तो आप ऊपर नीचे ऐसे लिख सकते हैं। x पावर 4 चाहिए आपको, यानी x निकाला पावर 4, माइनस 4 की पावर 4, माइनस 4 इंटू माइनस 4 इंटू माइनस 4, या फिर ये जो आपने एक्स स्क्वायर निकाला था ना, ये जो एक्स स्क्वायर निकाला था इसका स्क्वायर कर दीजिए। 16 16 जा 256, 9 9 जा 81, 4 4 जा 16, 1 का स्क्वायर 1, 0 1 16, 81 256। अब इनके समेशन चाहिए हमको सबके, इन सबके समेशन चाहिए जी। आ जाइए कैलकुलेटर पे वापस, 84 प्लस 82 प्लस 76 प्लस 72 प्लस 69 प्लस 68 प्लस 70 प्लस 72 प्लस 73 यार है 666, ठीक है। और ये जब देखिए इनको जब आप ऐड करेंगे, ये माइनस फोर से लेके माइनस वन और वन से लेके फोर सिमेट्रिक है, तो वन से वन कैंसिल, टू से टू कैंसिल, थ्री से थ्री कैंसिल, फोर से फोर कैंसिल, ये तो जीरो ही जाने वाला है। और जब ये एक्स वाई को जब मैं एडिशन करूंगा तो क्या करेंगे, देखिए पहले हम प्लस वाला ऐड कर लेते हैं, आपको आसानी बता रहा हूँ, पहले प्लस वाला ऐड कर लीजिए, नीचे से चलते हैं, 292 प्लस 216 प्लस 140 प्लस 68 ये आ गए। इसमें से माइनस वाले माइनस करते जाइए, माइनस 72 माइनस 152 माइनस 246 माइनस 336 यार है माइनस 90, कितना रहा जी माइनस 90, ठीक है। अपने आप आपके पास आंसर आ जाएगा, पहले प्लस वाले प्लस कीजिए, उनमें से माइनस वाले माइनस करते जाइए, जो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आना होगा आंसर अपने आप आ जाएगा, आप कुछ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी तो सब पॉजिटिव हैं। तो अब एक्स स्क्वायर वाई ऐड करना है, मैं ऊपर से ऐड कर रहा हूँ क्योंकि सारे पॉजिटिव हैं, 1344 प्लस 738 प्लस 304 प्लस 72 प्लस 68 प्लस 280 प्लस 648 प्लस 1168 यार है 4622, 4622, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर ऐड करना है, देखिए इसमें आप देखेंगे तो ये जो वैल्यूज ऊपर हैं और जो वैल्यूज नीचे हैं वो सब सेम है, रेप्लिकेट हो रही हैं,
ऊपर वाले ऐड कर लीजिए, डबल हो जाएगा 16 और 4 20 9 1 10 20 10 30 32 16। बाकी आपकी इच्छा सर, मैंने आपको शॉर्टकट में कर दिया, आप कैलकुलेटर चाहे कैलकुलेटर यूज़ कर लें, आपको मना नहीं कर रहा मैं करने से। और एक्स क्यू में देखिए ये सब वैल्यूज़ एक दूसरे की सिमेट्रिक हैं, इक्वल एंड अपोजिट हैं, 64 से 64 जाएगा, 27 से 27, 8 से 8, 1 से 1, ये जीरो आ जाएगा। और लास्ट में जो x पावर 4 है उसको ऐड करना पड़ेगा, इसमें भी पहले इसको ऐड कर लीजिए और डबल कर देंगे उसके बाद, 256 + 81 + 16 + 1 17 354 का डबल कर दो, क्योंकि नीचे भी यही है 708। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यूज आ गई हैं। और n कितना है यहाँ पे, n क्योंकि 9 ईयर से n है 9। अब यहाँ वैल्यूज डालते हैं हम लोग, समीशन y 666 आ रहा है, 666 666 इज इक्वल टू 9a, सिग्मैक्स 0 आ रहा है, देखिए सिग्मैक्स क्या आ रहा है, सिग्मैक्स आ रहा है 0, तो प्लस b इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस c टाइम्स समीशन x स्क्वायर, x स्क्वायर का समीशन आ रहा है मेरे पास 60, c इंटू 60, समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स वाई आ रहा है सर -90 इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स 0 आ रहा है, प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर बताया 60 आ रहा है, 60 बी, प्लस सी सिग्मा एक्स क्यूब 0 आ रहा है। और समेशन एक्स स्क्वायर वाई देखिए, एक्स स्क्वायर वाई आ रहा है मेरे पास 4622 इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर 60 आ रहा है, 60 ए, सिग्मा एक्स क्यूब 0 आ रहा है, सिग्मा एक्स 4 कितना आ रहा था, समेशन ऑफ एक्स 4 लास्ट वाला नंबर 708 है, एक्स 4 का समेशन है 708। यहाँ पे आपको लिखना है सब क्या, कि मैंने लिखा नहीं है, ये मिस्टेक है, लिखना चाहिए समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स स्क्वायर वाई, ऐसा ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, किस किस का समेशन कौन है, समेशन एक्स स्क्वायर वाई, समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स क्यूब, समेशन एक्स 4, ऐसे लिख देना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम है, इस बात के नंबर हैं कि आपको प्रेजेंटेशन अच्छे से कर रहे हैं सॉल्यूशन का या नहीं। मैं भूल गया, एक्स 4 कितना आया था, 708 आया था, है ना, 708 यार, 708 सी, सी इंटू 708। अब देखिए यहाँ पे इसको नंबर 1 बोलते हैं, इसको नंबर 2 बोलते हैं, इसको नंबर 3 बोलते हैं। 1 और 3 में देखें तो दो वेरिएबल बच गए, 1 में बच गया a और c और 3 में भी a और c, और 2 में सिर्फ एक बच गया b। तो पहले अगर मैं 1 और 3 को देखूं, 1 को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं और 3 को 9 से कर दूं, तो a के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 60 एंड इक्वेशन 2 बाय 9। सॉल्यूशन इक्वेशन पढ़ा आपने, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स कर दीजिए, फर्स्ट को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 666 इंटू 60 करना पड़ेगा मेरे को, 666 इंटू 60 यार है 39960 इज इक्वल टू 540 a प्लस 60 होता है 3600 सी, और थर्ड को करना 9 से, तो 4622 इंटू 9 यार है 41598, 60 to 9 हो गया 540 प्लस 708 इंटू 9, 708 इंटू 9 6372। अब यहाँ पे हम साइन चेंज करते हैं, इसको माइनस, इसको माइनस, इसको माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, और सब्ट्रैक्शन कीजिए, 39960 माइनस 41598 माइनस 1638, और ये आपका आ रहा है क्या 3600 माइनस 6372 माइनस 2772 2772 C, तो C कितना हो गया, माइनस कैंसिल हो जाएगा 1638 डिवाइड बाय 2772
1638 डिवाइड बाय 2772 0.5909 तो 0.59 आ रहा जी 0.59। अब इसको वन में डाल दीजिए ए मिल जाएगा। सब्स्टिट्यूटिंग C इज इक्वल टू 0.59 इन इक्वेशन वन। वन क्या थी मेरे पास 666 इज इक्वल टू 9A प्लस 16 इंटू सी, सी है 0.59 यानी 9A इज 666 माइनस 16 इंटू 59 क्या होगा 60 इंटू 0.59 35.4 आ रहा है। यानी A इज 666 माइनस 35.4 630.6 डिवाइड बाय 9 यार 70.07। और फ्रॉम इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन टू, इक्वेशन टू है माइनस 90 इज इक्वल टू 60 बी। सो बी इज इक्वल टू माइनस 9 बाय 6 माइनस 1.5। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री पैराबोला इज y इज इक्वल टू a, a आ रहा है आपका 70.07 माइनस bx, प्लस bx होता है b नेगेटिव आ रहा है तो माइनस 1.5x प्लस सी एक्स स्क्वायर, सी 0.59 है 0.59 x स्क्वायर। तो ये आ गई इक्वेशन ट्रेंड लाइन, इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री पैराबोला, फिट सेकेंड डिग्री पैराबोला बोला उसने। एरर्स निकालने को नहीं बोला, अगर एरर्स निकालने को बोला होता तो फिर हम यहाँ पर x की वैल्यूज डालते, x की वैल्यूज डाल के यहाँ पे एरर्स भी निकालते, वो हमारे पास y कैप की वैल्यू आती और y माइनस y कैप करके फिर एरर निकालते जिसको रेजिडुअल टर्म भी बोलते हैं। उसने खाली फिट करने को बोला तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया। समझ गए इतनी बात, क्लियर है? बहुत मुश्किल नहीं था क्वेश्चन, ये बोला कैलकुलेशन थी, लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कोई बहुत अफलातून कैलकुलेशन हो। तो जो बच्चे पढ़ चुके हैं टॉपिक टाइम सीरीज़ का हमारे साथ, उनको तो वैसे भी ये बहुत आसान लगा होगा, और अगर फिर भी आपके उनमें कोई क्वेरी है, कोई बात आपको समझ नहीं आई तो डाउट सेशन में आके डिस्कस कीजिएगा, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो व्हाट्सएप करके, आप नंबर नीचे हमारा यहाँ पे दे रखा है, व्हाट्सएप करके आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।